से अब हम पिन चले गए हैं इधर वन टू और किक प्रिंस जो है वो रिंग से उतर गए हैं और यहाँ पे शायद हैदर रेफरी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या चल रहा है प्रिंस आ नहीं रहे और यहाँ पे हैदर खुद नीचे आ गए हैं रिंग से और प्रिंस अंदर चल गए रिंग के अंदर और हैदर बाहर ही खड़े हुए प्रिंस को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए बट वो माइंड गेम्स खेल के हैदर को डाउन करना चाह रहे हैं बट हैदर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है और यहाँ चले गए क्योंकि हैदर और प्रिंस आगे पीछे अंकल जी रिंग के ये हो क्या रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे भी नहीं आ रहा ये प्रिंस के माइंड गेम्स हैं कि हैदर को इस तरह थका के यहाँ पे वाली चमुबार और पिंक के लिए है वन टू प्रिंस ने इस मौके का फायदा उठा ही लिया और हैदर को डाउन कर लिए ये बता रहे हैं कि मुझसे बेटर कोई नहीं है आवाम को चेयर कर रहे हैं शायद नहीं ये आवाम को चेयर नहीं कर रहे ये आवाम को कह रहे हैं कि यू डोंट डिजर्व लगता है कि आवाम बेइज्जती कर रही है शायद हो रही है बार बार हैदर डाउन हुए हैं और शायद हैदर को प्रिंस अपने फिनिशर पर ले गई हेडलॉक किया है और यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक थी वैसे अगर देखा जाए तो कि प्रिंस ने सोचा कि हैदर को इस तरह भगा दूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना मूव लगा के हैदर को डाउन करूंगा हाँ मेरे मुझे भी ये लग रहा है और यहाँ पे रेफरी चेक कर रहे हैं कि हैदर टैप करेंगे या नहीं हैदर खड़े हैं और हैदर काउंटर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि और ये प्रिंस ने दोबारा बाल पकड़ लिए और दोबारा हेडलॉक पकड़ लिया ये जो कि रूल्स के खिलाफ है बाल पकड़ना प्रिंस आपको ये नहीं करना चाहिए था मुझे भी यही लग रहा है कि भाई हैदर को प्रिंस शायद प्रतीक से गिराने की कोशिश कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल हैदर को थका दिया है और हैदर मुझे लग नहीं रहा कि आप उठ पाएंगे हैदर दोबारा खड़े हुए हैं और आवाम को बोल रहे हैं उसे चीयर करो आवाम से चुप हो गई आवाम चीयर नहीं कर रही हैदर को और मुझे लग रहा है हैदर ने हमारी काउंटर लेने की कोशिश की और ये भागे हैदर का पांव खींच के उनको गिरा दिया है और यहाँ प्रिंस दोबारा रिंग से बाहर चले गए और वापस आ गए अपना फिनिशर चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे आए भागते हुए और शाइनिंग विजर्ड बहुत लगा दिए इनके फेस पे वन टू किक आउट रेफरी को देखना चाहिए शायद ये रोप ब्रेक भी हो सकता था बट शाइनिंग विजर्ड को देख के मुझे एक किसी का फिनिशर याद आ रहा है कि केवल एक जूनियर डार्क का फिनिशर भी है अगर वो यहाँ होते तो प्रिंस को मेरे ख्याल से छोड़ते भी हाँ मुझे भी लग रहा है और यहाँ पे शायद अगर उन्होंने मारा होता कि शाइनिंग विजर्ड तो हैदर भी नहीं पाते या मैच हो जाता तो वही बात है कि भाई अब दोनों रेसलर्स डाउन हैं और शायद हैदर के फेस पर कुछ लगा है वो गलती से नहीं मारी आवाम क्या कहती है कौन जीतेगा ये मैच आवाम आवाम शायद ठंडी लग रही है आवाम शायद चेयर नहीं कर रही आवाम किसकी साइड है आवाम से लगा हुआ और आवाम जीते जीते शायद इधर अभी खड़े हो रहे हैं प्रिंस की शर्ट खोल के खड़े हो रहे हैं उनके तक इतनी ताकत की बची कि वो अपने टांगों में खड़े हो सके लेकिन हैदर बोल रहे मुझे और मारो पच्चीस एक्सचेंज हो रहे हैं और हैदर प्रिंस किसी को पंच मारे हैं और हैदर पंच Oh!
जीते थे और ये मैच जीत नहीं सके। आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? गलती भी प्रिंस की है क्योंकि प्रिंस को बोलनी करना चाहिए था, प्रिंस ने आवाम के साथ किया, आवाम की इज्जत की है प्रिंस ने। और यहाँ पे हैदर डांस को बैठे करते हुए प्रिंस ने तो मैं कल भी ना पाऊँ दूसरी बार इन्होंने दोनों को तो उनके हिट किया है। यहाँ पे प्रिंस हम लोग का स्पेशल निकाल रहे हैं। ये जो है प्रिंस ने जो भी इनके साथ किया अपने टाइम में, इनकी बहुत पुरानी राइवलरी चलती हुई आ रही है, बहुत पुरानी फील्ड है और ये आप बहुत पुरानी दुश्मन भी हो चुके हैं, शायद कुछ 10-12 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा, प्रिंस जी ने नहीं है इधर को बने नजर को ना बन गया हम को चीयर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे प्रिंस शायद अपना फिनिशर चार्ज करेंगे। अब ये यहाँ क्या करने वाले हैं आप? कैमरा मैन आप कैसे यहाँ पे फिनिशर चार्ज कर रहे हैं? प्रिंस फिनिशर के लिए जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रिंस अपने हाथों से खुद गवा देंगे। प्रिंस को चाहिए तो यहाँ प्रिंस करते हैं और ये मैच एंड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्लेयर के बाद ये पाएंगे। इनका फिनिशर लग गया है और यहाँ पे हैदर रोल आउट कर रहे हैं, रिक्शे बाहर आ रहे हैं और शायद यहाँ पे हम दोनों को थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, बिल्कुल ताकि हम दोनों पे ना आए ये दोनों। हम रिस्क ले सकते हैं और यहाँ पे हैदर डाउन है और प्रिंस रिंग के अंदर ही है। और ये रेफरी रोक रहे हैं, रेफरी रोक रहे हैं, रेफरी रोक रहे प्रिंस और प्रिंस ने रेफरी को डरा दिया है। और यहाँ पे हैदर रिंग के अंदर आ रहे हैं बहुत जेना और यहाँ पे साइड कर दिया और यहाँ पे यहीं पे फिनिशर के लिए जा रहे हैं। कब्जों का मार दिया रिंग के, दोबारा आपने फिनिशर के लिए गया है शायद और ये अगर फिनिशर मारा हैदर ने प्रिंस को हरा दिया है और जो ऑडियंस देखना चाहती थी वो हो गया।